जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान। संपूर्ण विधि मंत्र, प्रिय रंग एवं माँ को किस चीज का लगाएं भोग। इस समय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ही आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़ी कथा, पूजन विधि और महत्व। धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों की संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित है। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्र घंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद बहुत प्रिय है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।